What's up everyone? Welcome back to the channel. हम लोगों ने guys last class में start किया था हमारा chapter number 2 that is consumers equilibrium. और consumers equilibrium के basics जैसे utility, जैसे मैंने आप लोगों को TU, AU, MU इनके बारे में थोड़ा सा समझाया था. consumer equilibrium का definition हमने देखा था. आज हम chapter को आगे बढ़ाएंगे and this is part 2 of this chapter. chapter बहुत ही interesting, बहुत ही ध्यान से समझने वाला है, तो ध्यान से समझ के चलो और चीजों को आगे बढ़ाओ. चलिए let's begin. गाइस थोड़ा सा मेरा आज गला ठीक नहीं है, थोड़ा सा मुझे कोल्ड वोल्ड हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ी सी साउंड में और मेरी एनर्जी में थोड़ा सा आपको लगेगा, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसा बिल्कुल भी फील ना हो और वीडियो उसी फ्लो में चलती रहे जैसे चल रही है. हाँ, नॉर्मल वीडियो से थोड़ी सी छोटी रखूंगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, मुझे हर शब्द पे गला पेन कर रहा है, बट ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन, काम तो करना ही है. विल स्टार्ट विद, सबसे पहले आज लॉ ऑफ DMU, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इसकी थोड़ी सी बात हमने लास्ट क्लास में भी करी थी और ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है. देखो लॉ ऑफ DMU का क्या मतलब है. लॉ ऑफ DMU ये है, नाम में ही लिखा हुआ है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. डिमिनिशिंग का क्या मतलब होता है, डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होना. कोई भी चीज नीचे गिर रही है, डिमिनिशिंग. और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है जो एडिशनल मिलने वाली सेटिस्फैक्शन है ना. इसका मतलब ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये बोलता है कि जैसे जैसे एक इंसान अपने कंजम्पशन को बढ़ाता है, आप कोई भी चीज़ कंज्यूम करो, पहले यूनिट में आपको बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन आएगा, जब आप सेकेंड कंज्यूम करोगे तो एडिशनल सेटिस्फैक्शन कंपेरेटिवली कम हो जाएगा, थर्ड यूनिट उसी चीज़ की और कम, फोर्थ यूनिट उसी चीज़ की और कम, उसके बाद शायद आपका मन ही ना करे खाने का. तो व्हाट इज लॉ ऑफ DMU, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी, सो सॉरी गाइस, जैसे हम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी कंज्यूम करते हैं, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग. जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है हर एडिशनल यूनिट से, इट गोज ऑन डिमिनिशिंग, वो नीचे 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 आता रहता है, कम 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 होता चला जाता है. तो जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं, वैसे वैसे जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होता चला जाता है. लॉ ऑफ DMU हैज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, सब जगह लगता है एंड अप्लाइज टू ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज. इसका दूसरा नाम जो है वो गॉसेंस फर्स्ट लॉ भी है. क्यों? क्योंकि ये किसने दिया था, जर्मन इकोनॉमिस्ट H.H. गॉसन ने. ये भाई साहब हैं हमारे सामने, इन्होंने ये लॉ दिया था, इसीलिए इसको गॉसेंस फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है. ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ DMU. देखो हम जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती, हमें बहुत सारी चीज़ें एज्यूम करके चलनी पड़ती हैं, नहीं तो ये लॉ काम ही नहीं करेगा. तो लॉ का समझने के लिए हमें क्या क्या एज्यूम करना है. नंबर वन, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का मतलब है हम ये मान के चल रहे हैं कि यूटिलिटी को आप मेजर कर सकते हो. ऑर्डिनल तो ये बोलता था ना कि यूटिलिटी मेजर ही नहीं हो सकता, फिर लॉ कैसे चलेगा, सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है कैसे पता लगेगा. तो पहला अजम्पशन यही है कि जो यूटिलिटी है इट कैन बी मेजर्ड. इट इज अज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एंड कंज्यूमर कैन एक्सप्रेस हिज सेटिस्फैक्शन इन क्वांटिटेटिव टर्म्स. नंबर टू, मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. दूसरा अजम्पशन ये है कि हम मनी की टर्म्स में भी सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं. नंबर थ्री, कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी. रीजनेबल क्वांटिटी से क्या समझे, यानी आप जब भी इस लॉ को पढ़ रहे हो तो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ की एक रीजनेबल क्वांटिटी लेनी है आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो. फॉर एग्जांपल आप एक लड्डू से चेक करना चाहते हो, आप मोतीचूर का लड्डू खा रहे हो और उससे चेक करना चाहते हो कि लॉ ऑफ DMU लगेगा या नहीं लगेगा. अब लड्डू का एक बेसिक साइज जो है, स्टैंडर्ड साइज जो है, वही लेके चलोगे, एक लड्डू खाओ, एक और खाओ, एक और खाओ, तो देखो यूटिलिटी जो है आपका एडिशनल वो कम होता चला जाएगा. अब मैं आपके सामने इतना बड़ा मोदक ले आऊँ, लड्डू इतना बड़ा कि बेटा खा खा मेरे लाल खा, अब वो लड्डू से आपको सेटिस्फैक्शन एक में ही लगेगा, भाई हो गया, तो लॉ ऑफ DMU अप्लाई ही नहीं होगा, है ना. और मैं इतने इतने से लड्डू बना लूँ, छोटे छोटे आपको जितने मर्जी ले आओ यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और मज़ा आ रहा है और मज़ा आ रहा है. तो जब भी हमें इसको पढ़ना है एक रीजनेबल क्वांटिटी ज़रूरी है. रीजनेबल क्वांटिटी नहीं होगी तो लॉ ऑफ DMU अप्लाई
नहीं होगा। तो पहला अजम्पशन यूटिलिटी आप मेजर कर सकते हो, दूसरा अजम्पशन मनी की टर्म्स में भी कर सकते हो, तीसरा अजम्पशन जो कंजम्पशन है वो रीजनेबल क्वांटिटी में होना ज़रूरी है, नंबर फोर कॉन्टीन्यूअस कंजम्पशन, जो कंजम्पशन है वो कॉन्टीन्यूअसली होना ज़रूरी है। कॉन्टीन्यूअसली मतलब एक के बाद एक के बाद एक, ऐसा नहीं है कि एक लड्डू आज खा रहा हूँ, एक कल खा रहा हूँ, एक चार दिन बाद खा रहा हूँ, एक आठ दिन बाद खा रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ सेम ही सेटिस्फैक्शन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसा नहीं। कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, एक अभी तो फिर इमीडिएटली दूसरा, इमीडिएटली तीसरा, तब ये लॉ अप्लाई करेगा, ठीक है। द इट इज अज्यूम दैट कंजम्पशन इज अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, नो चेंज इन क्वालिटी, क्वालिटी भी चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि लड्डू पहले एक बेकार दुकान से ले आया, पहले वो खिलाया, फिर एक बढ़िया दुकान से ले आया, फिर वो खिलाया, तो ऑब्वियसली दूसरे में ज़्यादा मज़ा आएगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो क्वालिटी शुड ऑल्सो भी सेम, तो कार्डिनल मेजरमेंट होना चाहिए, फिर मॉनिटरी मेजरमेंट है इसमें, रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए, देन कॉन्टीन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, एंड देन नो चेंज इन क्वालिटी। सर क्या इतने ही है? नहीं, और चेक करो, कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए। सर रेशनल कंज्यूमर का क्या मतलब है? मतलब कंज्यूमर जो है वो समझदार होना चाहिए, कंज्यूमर इस सिचुएशन में होना चाहिए कि वो बता पाए कि उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। आपने पता लगे कोई ऐसा कंज्यूमर ले लिया जो अपने हालात में ही नहीं है, फॉर एग्जांपल वो किसी चीज़ का एडिक्ट है। अब सपोज़ मैं बोलूँ कि कोई इंसान सपोज़ अल्कोहल का एडिक्ट है, तो आप उसे बिठा दो और पिलाते रहो, तो कहेगा मज़ा आ रहा है, क्या बात है, और मज़ा आ रहा है, और मज़ा आ रहा है, और मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, लॉ ऑफ डीएमयू लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है ही नहीं कि वो एक्चुअली बता पाए कि वो कैसा फील कर रहा है, उसका सेटिस्फैक्शन क्या आ रहा है। तो यू व्हाट यू नीड, अ कंज्यूमर शुड बी रेशनल, अ कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रेशनल, अ कंज्यूमर कंपेयर्स द यूटिलिटी एंड एम्स एट मैक्सिमाइजिंग टोटल सेटिस्फैक्शन। नंबर सेवन, इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज का मतलब होता है कि हमारे पास जो सेटिस्फैक्शन आ रहा है वो हर यूनिट का इंडिपेंडेंट है, उसका पहले से कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब आप जब भी सेटिस्फैक्शन को मेजर करोगे तो हर यूनिट का अपने नज़रिए से देखोगे, पहले से कंपेयर मत करो, ठीक है। ये नहीं कि पहले में इतना मज़ा आया था तो दूसरे में कितना आ रहा हो, ऐसे नहीं। इंडिपेंडेंटली सोचो कि कैसे मज़ा आया, किस तरीके से चला, कितना सेटिस्फैक्शन आया। इट इज़ अज्यूम दैट ऑल द कॉमोडिटीज़ कंज्यूम बाय कंज्यूमर आर इंडिपेंडेंट, दैट इज़ एम यू ऑफ वन कॉमोडिटी हैज़ नथिंग इन रिलेशन टू एम यू ऑफ अनदर कॉमोडिटी, ठीक है, परफेक्ट है। इट इज़ ऑल्सो अज्यूम दैट वन पर्सन्स यूटिलिटी इज़ नॉट अफेक्टेड बाई यूटिलिटी ऑफ एनी अदर पर्सन, यानी एक इंसान को जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को भी उतना ही मिले, वो कम ज़्यादा हो सकता है, हर इंसान अलग है, सबका सोचने का, चीज़ें देखने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। उसके बाद एम यू ऑफ मनी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एम यू ऑफ मनी रिमेन्स कॉन्स्टेंट का मतलब ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि बेसिकली जो मनी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो भी कॉन्स्टेंट है। सर ऐसा क्यों? देखो, अगर आपके पास पैसा कम होता चला जाता है, क्योंकि है तो लिमिटेड ही, आपने खर्चा कर दिया तो दूसरी बार आपको खर्च करते हुए थोड़ा जोर पड़ेगा, है ना। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, जो मनी है वो कॉन्स्टेंट है, वो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या है? व्हेन अ कंज्यूमर इज लेफ्ट विद लेसर मनी, द रिमेनिंग मनी बिकम्स डियरर विच इंक्रीज द एमयू ऑफ मनी, है ना। अगर आपके पास पैसा कम बचता है तो आपकी नज़र में पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप थोड़ा सा उसमें हिचकिचाओगे खर्च करते हुए, थोड़ा सा सोचोगे उसके बारे में, क्योंकि तब आपको पैसा लगेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे शायद ये लॉ सही से काम ना करे। उसके बाद आ रहा है फिक्स इनकम एंड प्राइजेस, जो कंज्यूमर है उसकी इनकम और प्राइजेस फिक्सड हैं, वो चेंज नहीं हो रही है, ये भी हम एज्यूम करके चल रहे हैं। एंड परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज का मतलब कंज्यूमर बहुत अच्छे से जानता है कि कैसे सेटिस्फैक्शन मेजर करना है, वो कॉमोडिटी को बहुत अच्छे से जानता है, वो बहुत अच्छे से इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पा रहा है, तभी आप ये लॉ देख पाओगे, ठीक है। तो इसके अंदर 10 अजम्पशंस हैं, आप कोई भी 5 से 6 अजम्पशंस लर्न कर सकते हो जो आप अपने एग्जाम में लिख के आओगे अगर लॉ ऑफ डीएमयू आ जाता है। तो लॉ ऑफ डीएमयू का मीनिंग हो गया, लॉ ऑफ डीएमयू के अजम्पशंस हो गए, अब हम इसके कर्व की तरफ चलते हैं। देखो, लॉ ऑफ डीएमयू अगर हमें डायग्रामेटिकली बनाना हो तो हम क्या बोलेंगे भैया, सबसे पहले एक आइसक्रीम कंज्यूम करी तो उससे 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन आया। मैंने बताया था ना, इमेजिनरी यूनिट कौन सी होती है मेजर करने के लिए? यूटिल्स। तो 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन आया, TU हो गया 20। एक और कंज्यूम करी तो दूसरी में 16 ही आया एडिशनल, तो टोटल कितना हो गया? 36। तीसरी में 10 ही आया एडिशनल, टोटल हो गया 46। ये प्लस करते जाने हैं, है ना। चौथी में फिर 4 का ही आया तो हो गया फिर 50। पांचवी में 0 हो गया बिल्कुल, एडिशनल सेटिस्फैक्शन आया ही नहीं। इसी को पॉइंट ऑफ सैटिस्टी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिटी। जब भी MU 0 होता है तो TU आपको पता है मैक्सिमम होता है,
है ना, ये हमने रिलेशनशिप में पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जहाँ पे ये टी यू मैक्सिमम होगा वहाँ पे एम यू ज़ीरो होगा, ये एम यू था ये टी यू था, और इस पॉइंट को, इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, द पॉइंट ऑफ सैटिटी, दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। उसके बाद तो बिल्कुल नेगेटिव में चला जाएगा, जो खाया पिया वो भी बाहर आ जाएगा अगर ज़बरदस्ती आप इसके बाद कंजम्पशन बढ़ाओगे, ठीक है। तो जब हम एम यू को दिखाना चाहते हैं तो देखो 20, 16, 10, 4, 0, -6 बस नीचे की तरफ जा रहा है। जब आप इसको प्लॉट करोगे, इधर हमने यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम ले ली, यहाँ पे हमने यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम ले ली, यहाँ पे हमने एम यू ले लिया, है ना। तो 1 पे 20, फिर 2 पे 16, फिर 3 पे 10, 4 पे 4, फिर 0, फिर नेगेटिव हो गया, है ना। फिर जब हम इसका लाइन बना देते हैं तो ये क्या बन जाता है, द लॉ ऑफ डी एम यू का कर्व, जहाँ पे 0 है ये वाला पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, द पॉइंट ऑफ सैटिटी, और नीचे क्या चला जाता है, नेगेटिव चला जाता है। पॉइंट ऑफ सैटिटी के बाद याद रखना एम यू नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, परफेक्ट, सही है। तो दिस वॉज द लॉ ऑफ डी एम यू, जो आप लोगों को बड़े अच्छे से आना चाहिए। डी एम यू इंपॉर्टेंट है, डी एम यू एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। ऑल राइट, एक्सप्लेनेशन, इन द अबव डायग्राम यूनिट्स हमने कौन सी एक्सिस पे लिए हैं, एक्स पे, और एम यू किस पे लिया है, वाई पे। जो रेक्टेंगल शो हो रहे हैं वो आपको क्या दिखा रहे हैं, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, और वो स्मॉलर एंड स्मॉलर होते जा रहे हैं हर कंजम्पशन के साथ। देखो पहला वाला इतना बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, और फिर नेगेटिव में चला गया, है ना। तो ये रेक्टेंगल छोटे होते जा रहे हैं, इसका मतलब सेटिस्फैक्शन कम होता जा रहा है, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ओके। इसके बाद एम यू फॉल्स फ्रॉम 20 to 16, देन 10, धीरे 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 कम होता जा रहा है। 5th आइसक्रीम कंज्यूम करा तो एम यू 0 हो गया, इसको पॉइंट ऑफ सैटिटी बोलते हैं, और 6th पे बिल्कुल नेगेटिव हो गया, परफेक्ट। इस तरीके से बेटा जी हम लोग डी एम यू को पूरा अच्छे तरीके से अपने एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू लॉ ऑफ डी एम यू के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। सर लॉ ऑफ डी एम यू के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या हैं, देखो नंबर वन बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हर कॉमोडिटी का जो एम यू है वो गिरता ही रहेगा, कभी कभी एम यू इनिशियली कुछ टाइम के लिए बढ़ भी सकता है। जैसे आप कभी कभी खाना खाओ तो फर्स्ट चपाती में मज़ा आया, दूसरी में और मज़ा आ जाता है, और ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो कभी कभी क्या होता है जो एम यू है वो कभी कभी इस तरीके से भी बिहेव कर सकता है, यानी इनिशियली ऊपर चला गया फिर नीचे आ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। इन सर्टेन सिचुएशंस एम यू में इंक्रीज, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस। इकोनॉमिस्ट नॉर्मली एज्यूम दैट एम यू कॉन्टीन्यूसली फॉल, नॉर्मली क्या एज्यूम किया जाता है कि एम यू गिरता रहता है। इसके बाद नो इंडिकेशन अबाउट द रेट ऑफ फॉल इन एम यू, ये बिल्कुल भी कोई नहीं बता सकता कि किस रेट से गिरेगा, ये है गिरेगा, किसी के लिए कम गिरता है, किसी के लिए ज़्यादा गिरता है, तो कोई नहीं बता सकता कि किस रेट से कम ज़्यादा गिरेगा, बट ये श्योरिटी है कि गिरेगा। इसके बाद हमारे पास आता है सिनोनिम्स ऑफ लॉ ऑफ डी एम यू। लॉ ऑफ डी एम यू का दूसरा नाम क्या होता है, तो याद रखना इट इज़ ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन और साइकोलॉजिकल लॉ, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। तो याद रखना लॉ ऑफ डी एम यू इस नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो गाइज लॉ ऑफ डी एम यू पे 6 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आई होप आप लोग को डी एम यू बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, जिसके हाई चांसेस होते हैं आपके एग्जाम में आने में, हाई क्या 100% ये आता ही आता है। तो इसके लिए बहुत अच्छा लेवल का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, और अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो माइंड में सेट होनी चाहिए। तो एक छोटा सा होमवर्क है, इस चैप्टर की मैं 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, ये वाली और एक पहले करी थी, इन दोनों को देख के आना, नोट्स बना के लाना, और अगली वीडियो में इसको तभी समझ पाओगे जब आपने पहली वाली वीडियोज़ कवर करी हुई होंगी। ऑल राइट, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, बाय बाय।